bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy i am your history teacher Ms. Ferheen, and i welcome you all to your history class so my dear students hum previous lectures may persian empire ke bare mein the. today we are going to start a new civilization that is greek civilization so today you will be able to describe when and how the greek civilization was formed कब ये सिविलाइजेशन फॉर्म हुई थी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है सो माई डियर स्टूडेंट्स ग्रीक सिविलाइजेशन इट्स फ्राम एट हंड्रेड बी सी एंड इट एंडेड इन थर्टी वन बी सी सो अब आपको पता चल गया कि ग्रीक सिविलाइजेशन का कब आगाज़ हुआ था और कहाँ इसका इख्ताम हुआ था सो माई डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली जो यूरोपियन एयर एर रीजन है ये वहां प्रेजेंट थी और कुछ जो इलाके हैं वो टर्की के भी इसके अंदर शामिल थे लिटिल बिट ऑफ टर्की वॉज ऑल्सो इन दिस सो आप देख सकते हैं कि इसको तीन साइड से रिवर जो है उसने घेरा हुआ है तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं है आबाद होती थी ये किस तरीके से मुख्तल है इसके तीनों अतराफ में तीन दरिया जो है वो मौजूद थे अगर आप साउथ में देखें तो मेडिटेरियन सी था अगर आप टूवर्ड्स ईस्ट जाए तो एजेंसी है और अगर आप टूवर्ड्स वेस्ट देखें लैनियन तो सी जो है वो मौजूद है सो so, ये तीन सी जो है वो इस सिविलाइजेशन को घेरे हुए थे फ्रॉम ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ठीक है और ये पूरा जो है ये इलाका जो है किसके पास था ये ग्रीक सिविलाइजेशन के पास था और ग्रीक सिविलाइजेशन ने बहुत सी चीज़ों का जो है इधर इजादात हुई थी कौन कौन सी चीज़ों की इजादत हुई थी वी विल बी डिस्कसिंग दैट और अगर ये कहा जाए कि ये जो है वो जो यूरोपियन सिस्टम uh, है या जो यूरोपियन एजेस हैं या यूरोप है उसकी बेस लाइन जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन से ही जो है उभर कर सामने आती है सो माई डियर स्टूडेंट्सिंग फ्रॉम एट हंड्रेड बी सी टू थर्टी वन बी सी सो द ग्रीक्स सराउंडेड बाय अदर ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज द इजिप्शियंस टू द साउथ रोमन टू द वेस्ट एंडियंस टू द ईस्ट सो so, इसके साथ साथ और भी दो सिविलाइजेशन जो हैं वो फ्लरिश करी थी परजियन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि ईस्टर्न साइड पे थे मोस्टली जो है वो एशिया के इलाके में मौजूद थे और इसी के साथ साथ रोमन्स जो है वो इसके वेस्ट में यानी कि ये भी ये रोमन्स जो है ये भी मोस्टली यूरोप के इलाके में ही मौजूद थे तो ये ग्रीक्स के थोड़े से वेस्ट के अंदर और नॉर्थ की तरफ जो है ये मौजूद थे सो so, ये ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है सो अनलाइक मैनी अदर सिविलाइजेशंस, द ग्रीक डिड नॉट डेवलप इन अ रिवर वैली बट वराउंडेड बाय वाटर, इंक्लूडिंग द मेडिटेरियन सी टू द साउथ द लियन सी टू द वेस्ट एंड द एजेंसी टू द ईस्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ मेडिटेरियन सी है यहाँ एजेंस है और यहाँ वेस्ट में लियनन सी है तो ये तीन अतवार से तीन तरफ से जो है वो किससे घिरा हुआ है तीन दरियाओं से घिरा हुआ था और ग्रीक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें तीन मेन पीरियड्स थे आगे हम इनको जरा डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने सिकंदर आजम को भी डिस्कस करना है तो तीन जो इसके दौर गुजरे हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है वो कौन कौन से हैं सबसे पहला आर्खिय पीरियड है जिसको सुनहरी दौर के हिसाब से भी या आप इसका स्टार्ट कह सकते हैं जहां पर जब स्कल्पचर मेकिंग का आगाज हुआ और इसके अलावा इन लोगों ने जो है वो ब्रॉन्ज एज जो है उससे निकल कर जो है इन्होंने बहुत सी जो है वो चीज़ें जो है वो तख्लीक करनी शुरू की और यहाँ पे जो है वो सिटी स्टेट्स जो है यानी कि पॉलिस सिस्टम जिसको कहा जाता है इनके सिटीज़ को पॉलिस कहा जाता था और सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस पीरियड में आगाज़ हुआ था और इसकी बुनियाद ग्रीक्स ने रखी थी कि सिटीज़ जो है वो किस तरीके से होने चाहिए और सिटी की डेफिनेशन जो है वो ग्रीक्स ने डिफाइन की थी नेक्स्ट जो इनका दौर आ जाता है दैट इज द क्लासिकल पीरियड अब ये जो क्लासिकल पीरियड है बेसिकली इस दौर को गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसमें इन्होंने बहुत सी जंगें भी लड़ी पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ काफी सारी इनकी जंगें हुई थी बड़ी फेमस फेमस uh, जो है वो जंगें इसमें लड़ी गई तो क्योंकि ये जंग के अंदर बहुत ज़्यादा जाते थे तो इस वजह से इन्होंने डेमोक्रेसी के सिस्टम को जो है वो आगाज किया था और इसके अलावा जो बहुत फेमस फेमस मैथमेटिशियन जैसे कि पाथोग्रस है इसके अलावा साइंटिस्ट है जैसे कि सॉक्रटीज़ है आ, ये तमाम जो है ये इसी दौर में जो हैं वो गुजरे हैं और एरस्टोटल भी ग्रीक सिविलाइजेशन का ही हिस्सा था और बल्कि कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसका टीचर था एरस्टोटल तो ये जो सिविलाइजेशन है इसमें बहुत सी जो है इन्वेंशन हुई थी और स्पेशली इस पीरियड में उसके बाद जो थर्ड लास्ट पीरियड है वो हेलेनिस्टिक पीरियड है और इस पीरियड में मार्क एज द डिक्लाइन ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन इसमें इनकी बहुत सारी जंगें हुई थी ना सिर्फ परजियंस के साथ बल्कि परजियंस का दौर तो ख़त्म हो गया था इन्होंने आपस में ही जंगें लड़नी शुरू करनी थी और ये जो हैलनिस्टिक uh, पीरियड है इसमें स्पार्टा और एथेंस जो के बहुत बड़े बड़े शहर थे ग्रीक uh, सिविलाइजेशन के उनकी आपस में जंग हुई थी जिसकी वजह से इनके रिसोर्स जो हैं बहुत ड्रेन हो गए थे और इंटरनली ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और अलेगजेंडर द ग्रेट के डेथ के साथ ही इसका जो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है इसका डिक्लाइन और इसका अख्ताम हो गया था सो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी ग्रीक सिविलाइजेशन जिसके बारे में आज हमने मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो है वो और भी पढ़नी है फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट आई होप एवरीबडी हैज फिनिश द वर्कशीट सो माई डियर स्टूडेंट्स जल्दी से अब अपना होमवर्क नोट डाउन कर ले फॉर योर होमवर्क यू विल कंप्लीट स्किल शीट टू पॉइंट थ्री बाई स्कैनिंग दिस क्यू आर कोड एंड यू विल हैव एक्सेस टू द स्किल शीट फर्दर माई डियर स्टूडेंट्स आप होमवर्क में एमसीक्यू नंबर थ्री जो है इसको कंप्लीट करेंगे इन योर बुक्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स ग्रीक सिविलाइजेशन का आगाज हो चुका है तीन इसके अदवार थे जिनको हमने पढ़ा आगे हम इसको फर्दर बहुत डिटेल में इसकी सोशल लाइफ को और जो इन्वेंशन इन्होंने की थी हम उनको डिस्कस करेंगे और अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके बारे में भी एक लेक्चर होगा सो स्टेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच अनुज